चलो छोड़ो छोड़ो इसको। हाँ वेरी गुड। 5 साल का अभी नहीं हुआ, ये 4 साल का कंप्लीट है। लड़का मेरा परेशान करने लगा था, नशा पत्ते करने लगा था। राजस्थान भी लगेगा ना यहाँ पे। 6 किलोमीटर आ गए। 2 रास्ते बना रखे हैं, एक में चलेंगे गाड़ियाँ और एक में चलेंगे श्रद्धालु। टांगे कैसी है? टांगे मस्त 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 बढ़िया। तो आप सभी को नमस्कार, सुश सवाल यूट्यूब चैनल में, और मैं अभी आ रखा हूँ कृष्ण की नगरी वृंदावन में, और इस समय मैं हूँ गोवर्धन पर्वत के पास में। और आज का हमारा उद्देश्य यही है कि गोवर्धन पर्वत की हम परिक्रमा लगाएंगे, और लगभग 21 किलोमीटर में पूरी की पूरी परिक्रमा पूरी होगी। और तो हमने यहाँ पे पीछे पहले गाड़ी लगा दी है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले भैया आ गए थे कि हम आपको ऑटो से करा देंगे, लेकिन मम्मी का मन है कि पैदल चलने का। अभी तो फिलहाल जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है वहाँ तक जाना है हमें, तो वहाँ तक तो अभी ऑटो में जा रहे हैं। तो अभी जो मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हो, यहीं से मैं आया हूँ अभी वृंदावन से होते हुए, और गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा है जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से हमें सीधे जाना है, फिर गोल घूम के फिर वापस हम यहीं से आएंगे और यहीं पे आ जाएंगे। तो ऐसे पूरी की पूरी परिक्रमा लगेगी हमारी, और फिर यहाँ से हम वापस चले जाएंगे वृंदावन के लिए। और जहाँ से परिक्रमा की शुरुआत होती है उसको बोलते हैं राधा कुंड। तो ऐसे बीच बीच में काफी सारे मंदिर आते रहेंगे, खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है जितना मुझे बताया गया है। मेरा भी पहली बार है कि मैं यहाँ पे परिक्रमा करने आया हूँ, तो देखते हैं आगे क्या क्या चीजें दिखती हैं और आपको भी दिखाते हैं। जय श्री राधे। तो अभी चलते चलते मैं ब्लॉग भी अपलोड कर रहा था अपना, यहाँ पे मुझे यहीं कहीं अंकल जी मिले। अभी चलते चलते बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मवासी। मवासी, अच्छा ये नाम है आपका, और गांव का नाम? मुखराई। मुखराई गांव में अभी क्या खेती चलती है? खेती करते हो आप? नहीं साहब, हम तो ये पाँव में ही खेती है। पाँव में ही खेती है, काम रिक्शा है। अच्छा रिक्शा है, अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तभी पामन का है, मैंने बोला खेती करते हो, कह रहे की पाँव से ही चलती है खेती, समझ गया मैं। बहुत बढ़िया। आप कहाँ के रहेंगे? हम उत्तराखंड से हैं। अच्छा, राजस्थान भी लगेगा ना यहाँ पे? अभी राजस्थान 6 किलोमीटर आ गए। अच्छा वहाँ से लग जाएगा राजस्थान। अभी जहाँ पे हम चल रहे हैं वो यूपी चल रहा है, उसके बाद अंकल जी ने बताया 6 किलोमीटर बाद राजस्थान लग जाएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम। चूरा करके दो, चूरा करके, चूरा करके दो। क्या बात है, वेरी गुड, चूरा करके दे रहा है। अच्युतम बहुत प्यारे है, बहुत समझदार है। तो अच्युतम यहाँ पे बतखों को बिस्कुट डाल रहा है, और पीछे देख रहे होंगे आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे कुंड बना हुआ है, ये है कुसुम सरोवर कुंड। और यहाँ देख सकते हो आप कितना बड़ा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। खा लिया? खा लिया बतख ने? बहुत सारे हैं, सबको देना एक एक। चलो ठीक है, आओ फिर चलो यात्रा शुरू करेंगे, दोबारा आओ। अबे यार ये तो बिल्कुल ही खिला के मानेगा। तो अभी हमने लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, और रास्ते में आपको ऐसे ऐसे बीच बीच में बैटरी कार मिलती रहेंगी, और बीच में कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमें जल्दी घर जाना है, समय कम है थोड़ा, तो फिर आप बीच से भी बैटरी कार ले सकते हो, और लगभग 150 से 200 के बीच में पड़ता है पर इंसान का किराया। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम। चलो छोड़ो छोड़ो इसको। हाँ वेरी गुड। कितना है वैसे यहाँ से राधा कुंड तक? अच्छा मधुरम चरितम मधुरम। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये मंदिर दिख रहा होगा आपको सामने, इसका नाम है दान घाटी मंदिर। और राधा कुंड से ये जो मंदिर है दान घाटी, ये करीबन 3 से 4 किलोमीटर है, और फिर यहाँ से अगर आप सीधे चले जाओगे, इस रोड से अगर सीधे चले जाओगे और फिर राधा कुंड पहुंच जाओगे तो वो होगी छोटी परिक्रमा, लेकिन अगर यहीं इस मंदिर से आप नीचे की साइड आ जाओगे, इधर को चले जाओगे, तो ये होगी बड़ी परिक्रमा, मतलब 21 किलोमीटर वाली। तो हमने तो सोचा हुआ है कि बड़ी परिक्रमा ही करनी है, तो इसलिए हम यहाँ से मंदिर से नीचे आ गए थे, और अब ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे अच्युतम भी है,
जो कि अभी 4 किलोमीटर चल चुका है तो इसको थकान लग रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या करना है। ऑटो रिक्शा करना है। ऑटो रिक्शा करना है। मैं इसको खाऊंगा, उसकी बॉडी बनाऊंगा। किसकी बॉडी बनाओगे? रिक्शा की। अच्छा रिक्शा आप चलाओगे? हाँ। अच्छा फिर बनाएगा बॉडी। और मैं इसको उठाऊंगा भी कि फोम को मैं पटूंगा और मेरी बॉडी बन जाएगी। इतना सारा सामान पकड़ रखा था इसने। और मम्मी और ने यहीं पे शूज भी निकाल दिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो नंगे पैर ही करनी चाहिए, तो आपने पहले से क्यों नहीं करी है? अरे भूल गए, वहाँ तो उतारना भूल गए उस टाइम। मैंने गाड़ी में रख देता है। मैंने सोचा ऊपर खा पड़ा ये वो है, यहाँ तो ठीक है रास्ता चल सकते हैं। साथ में दो रास्ते बना रखे हैं, एक में चलेंगे गाड़ियाँ और एक में चलेंगे श्रद्धालु, और जिसमें श्रद्धालु चलेंगे उसका जो रास्ता है वो उसमें बहुत सारे रेट डाल रखे हैं जिससे आराम से इंसान चल पाया उस रास्ते में। यहाँ से दंडवत कर रहे हैं, यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू है, तो यहाँ पर 7 और 5 या 1 दंडवत करना है, तो हम 7 दंडवत कर रहे हैं। मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। क्या हो रहा है? अरे हम तो चल रहे, पर इसने हिम्मत आ गई, मतलब इसके लिए सबसे बड़ा अच्युतम के लिए लाइक होना चाहिए। लाइक होना चाहिए। हाँ सच्ची कह रही, इसके लिए लाइक होना चाहिए। 6 किलोमीटर मतलब वहाँ से लेकर अब तक यहाँ पर ये ना थोड़ा सा चल रहा, फिर कह रहा मुँह में पैर में दुख हो रहा है। धूप बहुत तेज हो गई, बहुत ज्यादा तेज है धूप, बहुत तेज धूप हो गई ना, इसलिए इसको शायद इसलिए हो रहा है। इसलिए आपको कैसे लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा? कहाँ दर्द कहाँ हो रहा? चलो ठीक है फिर क्या करें? सच्ची कह रहे, पर अच्युतम के लिए लाइक होना चाहिए और हेड्स ऑफ होना चाहिए। अरे करें क्या, राधे राधे होना चाहिए। तो क्या करें फिर? रिक्शा करना पड़ेगा। राधे 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 राधे। राजस्थान शुरू हो चुका है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, ये गेट लगा हुआ है बढ़िया सा, और जो परिक्रमा है उसमें बहुत ही छोटा सा पार्ट है राजस्थान का, लगभग 1.5 किलोमीटर में आता है राजस्थान, फिर उसके बाद दोबारा यूपी लग जाता है। मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन मार्केट, और जिस सड़क पे अभी चल रहे हैं उसको बोलते हैं बरसाना रोड, और करीबन अभी 8 किलोमीटर और बचा है जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। हम उत्तराखंड से आ रहे हैं। आप कहाँ से हो? मैं रहता था पहले दिल्ली, दिल्ली से मैं इधर आ गया। लड़का मेरा परेशान करने लगा था, नशा पत्ते करने लगा था, तो मैंने उसको यहाँ शांत कर दिया, यहाँ लाके। अरे वाह, सब छोड़ दिया। आप क्या करते हो? शादी करा दी, रिक्शा चलाता है वो। अच्छा, तो उसको परकम्बा नहीं मिली थी, मैंने अच्छा मैं लाता हूँ तो रात को देख ली, मैं अभी दिन में देख। अच्छा तो मतलब एक ही है रिक्शा आपके पास? एक ही है। अच्छा तो दिन में कभी आप चलाते हो? आंटी है नहीं तेरी? अच्छा है नहीं? नहीं, एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा, इसके वजह से बेटे की शादी हो गई? बस बेटे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। हाँ जी आपको सही जगह और पैसे में ईमानदारी कर लेता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छे से समझाया अंकल जी ने हर चीज। धन्यवाद अंकल जी, अच्छा लगा मिलकर आपसे। कभी मिलो, कभी भी मिलो तो आप मेरा नंबर ले जाओ कभी। नाम नाम बता दो। नाम मेरा ध्रुवनाथ गोस्वामी। कोई भी रिश्तेदार आए तो उसको फोन, मेरा फोन नंबर बताओ, बोल दो। 7 66 88 7 96 52। ठीक है, अगली बार आएंगे तो आपको बुलाऊंगा मैं, ठीक है ना?
आप आ जाना आपके बेटा बस अड्डे पे कभी भी मैं रहता हूँ। हमारे ऑटो वाले अंकल जी बहुत थोड़ा इमोशनल हो गए थे अपने घर की स्थिति जब बताई उन्होंने और जब अपने बेटे के बारे में बता रहे थे, तो मतलब उनके चेहरे से पता चल रहा था कि काफी दुख में है वो, काफी दर्द है उन्हें। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कभी आए आप नंबर जो है उस पर कॉल करके एक बार बात कर लें कि आप आ सकते हो हमें घुमाने के लिए। और बाकी कृष्ण भगवान की कृपा तो सब पे बनी हुई है। चलो अभी थोड़ा सा अच्छुत हमको भी कुछ खिला देते हैं, इसने भी कोई ढंग से खाया नहीं है सुबह से। वाह क्या बात है, ऑटो चलाना है, क्या खाओगे बताओ। चलो मुझे नहीं पता क्या खाऊंगा। तो आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। नहीं खा रहे ना मतलब कुछ खाऊंगा। क्या खाओगे? पिज्जा। पिज्जा खाओगे? अभी आपकी मम्मी आएगी ना तो वो देंगी आपको पिज्जा। इसकी चाबी लेना। तो मेरे पास है इसकी चाबी। तो अभी मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया था, अच्छू ने तो कुछ भी नहीं खाया, पता नहीं इसका तो मन नहीं करता खाने का। और मैंने ना रोटी खाई। रोटी रोटी खाई बस इसने, कोई दाल नहीं पी, कुछ नहीं खाया, रोटी के भी दो टुकड़े खाए और बाकी से टॉफी टॉफी खा रहा उस समय से। और रही बात गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा की, तो दो परिक्रमा होती है, एक छोटी परिक्रमा और एक बड़ी परिक्रमा। छोटी परिक्रमा होती है 9 किलोमीटर की और बड़ी परिक्रमा होती है 12 किलोमीटर की, तो ये दोनों मिला के जाती है 21 किलोमीटर जो अभी मम्मी और मौसी करके आ रहे हैं। तो कुछ कुछ लोग छोटी परिक्रमा भी करते हैं, कुछ कुछ बड़ी भी करते हैं। और बाकी बस अभी मम्मी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, अभी शायद 1.5 किलोमीटर दूर है वो, तब देखते हैं उनकी हालत अभी कैसी हो रखी है। मन तो मेरा भी था कि मैं भी पूरा पैदल आऊं, लेकिन वही होता है हर चीज हर समय नहीं मिलती है, और अभी अच्छू भी था साथ में, तो फिर मैंने बोला चलो मेरा तो कोई बात नहीं, मैं तो दोबारा भी आता रहूंगा। लेकिन मौसी और मम्मी का तो ये है ना कि अब कभी आएंगी तो अपने पतियों के साथ आएंगी, अब फिर पतियों के साथ आपको पता ही है किच-किच पिच-पिच बहुत होती है कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो अभी मैंने बोला आप आराम से करते रहो, मैं अच्छू को ले जाता हूँ, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे, आप आराम से तसल्ली से जितनी भी देर लगे आप आ जाना। तो बस वो आएंगे फिर हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। राधे राधे। जय श्री राधे। टांगे कैसी हैं? टांगे मस्त मस्त मस्त। बढ़िया यात्रा हो गई। शॉपिंग शॉपिंग कर ली सब, हम मस्त खा पी। अब भैया को पैसे दे दो, देख रहे हो उस समय। तो 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा करते हैं श्रद्धालुओं ने, उनसे पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है उन्हें अभी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। पैर की हालत कैसी है? पैर की हालत पता है क्या है? अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताया था सबके। हाँ। साथ खाना तो नहीं खाया हमने, पर पानी और मूली गाजर फ्रूट ये खाए हमने, और भूख भी नहीं लगी, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। थोड़ा पैरों में दर्द हो रहा है और इधर मेरे तो इधर साइड में दर्द हो रहा है, जांघे जांघे। हाँ जांघे दर्द हो रही है। हाँ। और मेरे हाथ पूरे स्वेलिंग हो गए, ऐसे लटक लटक के हाथों में इतनी स्वेलिंग हो गई है कि ये जो ये उंगली है ना। हाँ। ये ऐसा लग रहा है जैसे सो गई है, जन 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 नहीं करती। हम ऐसे संध्या के टाइम में पहुंचे हैं कि राधा कुंड में हम अच्छे से दर्शन और दिया जला के आए हैं, तो हमारा शाम का दिया जल गया। जरूर करे मुझे शरबत दे दो। और इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है इसके लिए, और मम्मी और मौसी के लिए भी एक लाइक जरूर बनता है। नहीं मैं तो, हम तो देख बड़े हैं, हम तो चल दिए। 5 साल का अभी नहीं हुआ है, ये 4 साल का कम्प्लीट है, और इसने अभी 6 किलोमीटर चला है यार ये। और 6 किलोमीटर हम इसके कदम पे हम चले, इसने इतनी हिम्मत दिलाई। चलिए फिर अभी चलते हैं दिल्ली के। चलो भाई, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। पागल कहीं का नाला है कहीं का, वो रुचि रुक गया, सुचि रुक गया, भाग के जाओ। कहाँ बोरा रुका हुआ वो? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ। देखना लाइट जल रही है, लाइट। हाँ, लाइट भी जल रही। लाइट जल रही, चलो पिला।